ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव और धमतरी जिले को दी लगभग 828 करोड़ 37 लाख की सौगात। 192 विभिन्न निर्माण कार्यों का क्या शिलान्यास। अनुकंपा में नौकरी पाई युवती की आप बीती सुन सीएम भूपेश बघेल की आंखें हुई नम। आभार जताते हुए भावुक हो गई थी मधु। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। राजनांदगांव में केंद्र सरकार के खिलाफ दिया एक दिवसीय प्रदर्शन। ट्रैफिक सुधारने की कवायद। जगदलपुर में 1907 लाख रुपए की लागत से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। 300 वाहनों को हो सकेंगे खड़े। 6 दिन पहले आया मानसून छत्तीसगढ़ में झमाझम। 19 केंद्रों पर दर्ज हुई भारी बरसात। मौसम विभाग बोला रायपुर तक पहुंच गया मानसून। राजनंद में अनियंत्रित होकर पलटी मेटाडोर। हादसे में 4 महिला मजदूरों की मौत। 8 की हालत गंभीर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर दुर्ग से आपको बता रहे हैं, कलेक्टर ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। जिले में दी थोड़ी और छूट। दुकानें अब खुलेंगी सुबह 6 से रात 8 बजे तक। रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। दुर्ग से खबर आपको बता रहे, कलेक्टर ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। जिले में दी थोड़ी और छूट। जब दुकानें सुबह 6 से शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। दुर्ग से खबर आपको बता रहे, कलेक्टर ने जारी की कोरोना की नई गाइडलाइन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव और धमतरी जिले को लगभग 828 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 462 कार्यों की सौगात दी है। बघेल ने राजनांदगांव जिले में 556 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत के 192 विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिनमें 231 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 125 कार्यों का शिलान्यास तथा 325 करोड़ 68 लाख 20,000 रुपए की लागत से 57 कार्यों का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री ने धमतरी जिले में 271 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत के 270 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 115 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत के 146 कार्यों का लोकार्पण और 155 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत के 124 कार्यों का शिलान्यास कार्य शामिल है। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर एवं अन्य कैबिनेट मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। पूरे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की योजनाओं से हितग्राहियों को लाभ मिला है उन हितग्राहियों से चर्चा भी की, उनसे किस ढंग से फ़ायदा मिला उसको जाना। इसके साथ साथ उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया। कोरोना की वजह से दिवंगत लोगों से समाज सेवी संस्था शपथ फाउंडेशन द्वारा दुर्ग सांसद विजय बघेल की उपस्थिति में वृक्षारोपण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोरोना के तांडव से बहुत सी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसको याद रखते हुए शपथ फाउंडेशन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें पुलिस विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आत्मिक जनों के परिवार से जुड़ा हुआ ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम कोरोना महामारी के इस विकराल स्थिति में हर परिवार ने कुछ न कुछ दुख झेला है और सबने अपनों को खोया है और उसी भावनात्मक मन को लेके हृदय में एक भाव लेके आज हम सब यहाँ पर शपथ फाउंडेशन के प्रमुख भाई अशोक गुप्ता जी के इस कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हुए हैं और हम सब मिलकर
उन दिव्य आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो हमें छोड़कर चले गए, जिनकी अकाल मृत्यु हो गई इस महामारी के कारण। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस का कहना है कि पूरे देश कोरोना की महामारी के दौर से गुजर रहा है और इस कठिन परिस्थितियों में भी लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम 16 से 17 बार तक बढ़ गए हैं। ऐसे में आम लोगों की जेबों पर विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस आज देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का कहना था कि केंद्र सरकार को पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी लाने के लिए सार्थक कदम उठाने चाहिए। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर बढ़े दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में राजधानी रायपुर में भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संवाददाता ने कांग्रेसियों से खास बातचीत की। आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ता पेट्रोल पंप के बाहर बैठकर अपना विरोध जता रहे हैं। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के भी प्रदर्शन कर रही है। पेट्रोल पंप के बाहर बैठकर यहां पे प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि यहां पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन चल रहा है, जहां पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, रायपुर शहर के राज ड्राइवर भी है। मोहन मरकाम जी से बात करते हैं, क्या मामला है जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज प्रदर्शन कर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई जिम्मेदार कौन? पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में पूरे प्रदेश और देश में पेट्रोल पंपों के सामने हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। भाजपा और महंगाई में चोली दामन का साथ है। जब जब भाजपा आती है महंगाई बढ़ती नहीं बढ़ाई जाती है। पिछले एक सालों में पेट्रोल के दाम 26 रुपया 79 पैसे और डीजल के दाम 25 रुपया 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर में भी 47 बार पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 5 महीनों में बढ़े हैं। केंद्र की सरकार आम जनता के जेब में डाका डाल रही है, आम जनता को लूट रही है, आम जनता के थाली से निवाला छीन रही है। इसीलिए हमारी मांग है पेट्रोल डीजल के दाम कम करें। अभी कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, आम जनता को कैसे इसमें जोड़ेंगे कि आम जनता भी आपके साथ में आके केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले? देखिए कोरोना काल चल रहा है, हमें लगता है आने वाले दिनों में भी आम जनता सड़क में उतरेगी और केंद्र सरकार का विरोध करेगी। देश की जनता मोदी सरकार को वोट देके अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। कुछ दिनों पहले हमने और देखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक दिवस से धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, इसके बाद आज फिर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और केंद्र को जगाने का काम कांग्रेस कह रही है कि हम कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन के मामले से। कैमरा पर्सन शैलेन के साथ रोहित मिश्रा, के न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या हुआ? रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अभी तो डॉक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज करने की सलाह दी है, लेकिन लेकिन क्या? बस यही सोच रहा था कि अस्पताल की जरूरत ना पड़े। अरे यार नहीं पड़ेगी, हमारे देश में लाखों लोग डॉक्टर की सलाह लेकर होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ भी गई तो तू नजदीकी अस्पताल में अपनी बीवी का इलाज मुफ्त में करा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कर दी है। घबराए नहीं, क्योंकि अब आपको मिलेगी राज्य सरकार के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजनाओं से आपको मिलेगा कैशलेस उपचार। जी हाँ, कोरोना संक्रमित होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार अस्पताल को सीधे भुगतान करेगी। मरीज को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड पर 8,000, वेंटिलेटर केयर पर 12,000, ICU वेंटिलेटर केयर पर 14,400 रुपए का पैकेज निर्धारित किया गया है, जबकि गैर NABH मान्यता वाले अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए 6,400, वेंटिलेटर केयर पर 10,400, ICU वेंटिलेटर केयर पर
12,000 का पैकेज है और ये सारा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाएगा। यही नहीं, लाभार्थियों की जांच, उपचार, भोजन और पीपीई किट का खर्च भी इस योजना में शामिल है। इस मुश्किल घड़ी में अगर अस्पताल करे इलाज में कोताही तो अस्पतालों पर भी तीरथ सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तीरथ सरकार इस मुश्किल घड़ी में है आपके साथ। बेहतर इलाज, कैशलेस इलाज, कोरोना से जीतेंगे जंग, हमें है विश्वास। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। चिप्सीज दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनंद में लगातार बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ गलत नीतियों के कारण देश में पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादन सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में ही बढ़ोतरी हो रही है, जिसके विरोध में यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बालोद में दो गज दूरी मास्क है जरूरी, यह स्लोगन इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जो इस स्लोगन को सुनने के बजाय में नजरअंदाज कर देते हैं, और नजरअंदाज करने वाले लोगों के कारण कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में लोगों को गीत संगीत के माध्यम से जागरूक करने बालोद नगर के कपड़ा व्यापारी ने गीत तैयार किया है। कोरोना ना हराए पर मास्क जरूरी है, वैक्सीन जरूरी, हाथ धोना जरूरी है। लापरवाही झन करो मोरे दीदी भैया, तहो रवे बढ़िया महो रहो बढ़िया, तहो रवे बढ़िया महो रहो बढ़िया, तहो छत्तीसगढ़िया महो छत्तीसगढ़िया, मास्क लगा ले भैया। अब किसान परंपरागत खेती से हटकर आधुनिक तरीके से हो रहे नर नारी धान को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी के तहत अंचल के किसान परंपरागत खेती से हटकर अब इस आधुनिक तरीके से नए किस्मों के धान का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें अच्छी पैदावार के साथ साथ प्रति एकड़ अच्छी आमदनी भी हो रही है। नर नारी धान की खेती ने किसानों की तकदीर बदल दी है। इस सत्र में बालोद क्षेत्र के किसानों ने नर नारी फसल के उत्पादन के माध्यम से अधिक लाभ अर्जित किया है, जिसमें क्षेत्र के उर्मा बेलमांड नवगांव सहित गुरूर क्षेत्र के किसान शामिल हैं। पहले 100 एकड़ से शुरू हुआ यह फसल उत्पादन अब पूरे छत्तीसगढ़ के धमतरी, बालोद, महासमुंद, रायपुर और दुर्ग, गरियाबंद, कांकेर में लगभग 35,000 एकड़
तक पहुंच गया है। सर मैं 2 साल से हो गया, पिछले साल से लगा रहा हूँ नन्नारी, ऐसे ही करीबन 2.5-3 एकड़ में लगाता हूँ मैं। तो जैसे ही 64 और 1010 लगाते हैं ना, उससे 1.5 गाड़ा 2 गाड़ा होता है उसमें उत्पादन, लेकिन इसमें रेट नहीं मिल पाता, 1200-1300 बेच पाते हैं। और ये माइको कंपनी का नर नारी लगाया हूँ, उसमें करीबन 9 क्विंटल 10 क्विंटल ऐसे प्रति क्विंटल एकड़ के हिसाब से आया है, तो फायदा ज़्यादा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।